प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कामना यादव। आज हम शक्ति के उपागम का जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं MAPS 108 विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान, खंड स्वरूप और उपागम, इकाई 3 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का शक्ति उपागम, भाई असिस्टेंट प्रोफेसर कामना यादव, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूपी। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में शक्ति उपागम सर्वाधिक चर्चित और प्रासंगिक उपागम रहा है। इसलिए शक्ति उपागम की आधारभूत मान्यताओं जैसे राष्ट्रीय हित, शक्ति और संघर्ष का अध्ययन करना है। तो इसका उद्देश्य यही है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह माना गया कि यथार्थवाद जो है तो वो वाकई जोर पकड़ता चला गया, और जो है आदर्शवाद का जो उपागम था तो वो धूमिल पड़ता चला गया। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसके बाद यह माना जाने लगा कि जैसे कि मनुष्य का स्वभाव है और जो है स्वार्थी है, लालची है, आगे बढ़ जाने की उसमें आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा होती है, तो यही सब चीज़ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी लागू होता है। और यही सब महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ जाने की, एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करने की महत्वाकांक्षा के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया, और यथार्थवाद का जो है पूरे विश्व में इसका व्यापक अध्ययन करना जो है लाजमी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का शक्ति उपागम राष्ट्र की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र की क्षमता या शक्ति पर सर्वाधिक बल देता है। प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान हैंस जे मार्गेंथाउ ने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति की भांति शक्ति के लिए एक संघर्ष है। तो हैंस जे मार्गेंथाउ यथार्थवाद के जनक हैं। इन्होंने यही कहा है शक्ति के लिए संघर्ष है, मतलब कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, और शक्ति को जैसे ही बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इसका जो है परिणाम यह निकलता है कि सभी राष्ट्र एक दूसरे से संघर्षरत रहते हैं, और शक्ति के लिए संघर्ष है, और राष्ट्रहित को प्राप्त करना चाहते हैं, और राष्ट्रहित को अपने अपने प्राप्त करने के लिए शक्ति को बढ़ाते हैं। जब शक्ति बढ़ जाती है, जब शक्तिशाली कोई राष्ट्र हो जाता है, तभी अपने जो है राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अन्य देशों पर नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित कर सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। इसके आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो लेकिन त्वरित उद्देश्य शक्ति होता है। यथार्थवादी उपागम 18वीं 19वीं शताब्दी में प्रचलित रहा है। 20वीं शताब्दी में आदर्शवादी उपागम लोकप्रिय रहा है, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवादी उपागम पुनः तेजी से लोकप्रिय हुआ। नए रूप में शक्ति उपागम का प्रवर्तक रेनाल्ड नेवर था, जिसके प्रमुख अनुयायी केनिथ टॉमसन, जॉर्ज एफ कैनन, फ्रेडरिक शूमैन, हैंस जे मार्गेंथाउ आदि थे। तो कहने का आशय यह है कि सबसे पहले तो जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी उपागम का जो है महत्व था, और आदर्शवादी उपागम का महत्व 20वीं शताब्दी में बढ़ गया। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि यथार्थवादी उपागम और आदर्शवादी उपागम क्या है। तो आदर्शवादी उपागम के अंतर्गत यह माना जाता है कि एक आदर्शवाद, आदर्श का मतलब होता है वो कल्पना में बहुत ही सुंदर चीज़ की कल्पना करना, और जो कि यथार्थ में वो चीज़ का ना होना। जैसे कि हमने कल्पना कर लिया कि पूरे विश्व में शांति ही शांति है, और सभी राष्ट्रों के मध्य परस्पर प्रेम है, व्यवहार है, वैमनस्यता नहीं है, और परस्पर सहयोग की भावना है, और आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो ये हो गया आदर्शवाद। और यथार्थवाद क्या है?
यथार्थवाद है जो वास्तविक रूप में जो यथार्थ में घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि प्रत्येक देश एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं और अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए जो है युद्धरत रहते हैं, युद्ध करने का प्रयास करते हैं, डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, तो और संघर्षरत रहते हैं। तो इसी वजह से इसको जो है यथार्थवाद कहा जाता है कि जो धरातल में जो वास्तव में वास्तविक जो घटनाएं घट रही हैं यथार्थ में है, तो वही है यथार्थवाद। तो कहने का आशय ये है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवाद का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि इस प्रकार की जो है घटनाएं हुई थी, विश्व युद्ध वगैरह हो रहे थे और देश जो है आपस में लड़ झगड़ रहे थे। फिर 20वीं शताब्दी में एक थोड़ा सा विश्व जगत में एक शांति और ठहराव आया और परस्पर एक दूसरे में जो है सामंजस्य और सहयोग की भावना जगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि हमेशा जो है प्रत्येक देश आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और सहयोग की भी भावना रहती है, दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो जैसे ही 20वीं शताब्दी आती है तो विश्व के प्रत्येक राष्ट्र आपस में मेलजोल से रहना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि सामंजस्य प्रेम सौहार्दपूर्ण का वातावरण फैल जाता है। तो आदर्शवाद ने जोर पकड़ा और जो है आदर्शवादी उपागम का महत्व बढ़ गया था। तो इसलिए और इसके बाद हम देखते हैं 20वीं शताब्दी में ही जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो यथार्थवादियों का जो है मानना था कि आदर्शवाद जो है उसको किनारे कर देना चाहिए, हमको यथार्थवाद पे जो है फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो है ये देखना चाहिए कि युद्ध जो है क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और उस युद्ध को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए, और जो है जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको कम करने के लिए हम ऐसा क्या प्रयास करें ताकि हम जो है उस समस्याओं से निजात पा सकें। तो इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और हैंस जे मार्गेथाउ जैसे विचारकों ने अपने यथार्थवादी उपागम के माध्यम से अपने अपने जो सुझाव सुझाने का प्रयास करने लगे। नए रूप में शक्ति उपागम का प्रवर्तक रेनाल्ड नेबर था, जिसके प्रमुख अनुयायी केनिथ टॉमसन, जॉर्ज एफ कैनन, फ्रेडरिक शूमैन, हैंस जे मार्गेथाउ आदि थे। मार्गेथाउ का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में शक्ति है। उन्होंने शक्ति को अन्य मनुष्य के मस्तिष्क और कृत्यों पर नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया है। तो हैंस जे मार्गेथाउ का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने शक्ति के दम पर अन्य मनुष्य या अन्य देश के जो है ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो ये हैंस जे मार्गेथाउ का मानना है। इसके बाद हम शक्ति उपागम क्या है इस संबंध में विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं शक्ति उपागम क्या है। तो शक्ति उपागम वह उपागम है जो शक्ति को पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार मानता है। शक्ति उपागम के अंतर्गत मानव स्वभाव से स्वार्थी, संघर्षशील, प्रतिद्वंदी माना गया है। शक्ति उपागम की स्पष्ट अभिव्यक्ति सर्वप्रथम इटली के यथार्थवादी चिंतक मैकियावेली की रचनाओं में मिलती है। मैकियावेली के अनुसार राजा का उद्देश्य राज्य को व्यवस्थित रखना और विजय प्राप्त करना होना चाहिए। साधन हमेशा सम्मानजनक समझे जाएंगे और उनका हर कोई सम्मान करेगा। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में लिखा है, जहां देश की सुरक्षा खतरे में है वहां पर देश की सुरक्षा के लिए कोई साधन अपनाया जाए, साधन पवित्र माने जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इटली के विचारक मैकियावेली हैं, तो मैकियावेली ने अपनी द प्रिंस पुस्तक में जो है इसका अपना विवरण दिया है। उनका मानना था कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है और उस राष्ट्र की सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए
हम कोई भी अपने साधन अपनाएंगे, जैसे कि छल बल साम दंड भेदभाव, किसी भी प्रकार का हम अगर साधन इस प्रकार का अपनाते हैं अपने देश के हित में, राष्ट्र के हित में, तो साधन पवित्र माने जाएंगे, क्योंकि उसका जो परिणाम निकलेगा हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा और हम अपना प्रभुत्व कायम कर सकेंगे। तो अगर हम ये सब करने में सफल हो रहे हैं तो हम अपना साधन किसी भी प्रकार का युद्ध का भी अगर रणनीति अपनाएंगे तो वो भी सफल माना जाएगा और वो भी पवित्र माना जाएगा। तो इटली के मैकियावेली का यही कहना है कि साधन पवित्र माने जाएंगे यदि हमारे कार्य में अगर सफलता मिल गई है और हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर पा रहे हैं, तो कोई भी साधन जो है पवित्र माने जाएंगे। और यहीं पर हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक और आध्यात्मिक विचारक हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। हमारे महात्मा गांधी जी ने यही कहा था कि अगर साधन पवित्र नहीं है तो हम उस साध्य को हमको प्राप्त नहीं करना चाहिए, साध्य को छोड़ देना चाहिए। साध्य का मतलब उद्देश्य, उस उद्देश्य को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर साधन पवित्र नहीं है तो हम जिस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं तो वो उद्देश्य सही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था अगर साधन पवित्र है तभी हमारा उद्देश्य पवित्र माना जाएगा। उद्देश्य का मतलब कि जिस चीज की हम प्राप्ति का लक्ष्य रखे हैं वो जो है पवित्र माना जाएगा। किसी भी प्रकार का उद्देश्य हो सकता है, तो हमारे पास साधन जो है पवित्र होने चाहिए, मतलब हिंसा मार काट छल बल ये सब चीज का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने जो है यही मतलब अहिंसा को जो बढ़ावा दिया था, और जबकि यूनो जो है अहिंसा दिवस मनाता भी है महात्मा गांधी की जो थाट पर। और इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अंत में जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो महात्मा गांधी ने अहिंसा को बढ़ावा तो दिया था, लेकिन इसके बावजूद जब करो या मरो का नारा दिया था तो मतलब ऐसा लगता है कि विरोधाभास है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सारे विकल्प बंद हो जाते हैं और एक विकल्प रह जाता है युद्ध का, तभी हम उस पर विचार करते हैं। और क्योंकि यदि हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हम उसके अपने बचाव में प्रत्युत्तर में हम आक्रमण कर रहे हैं, किसी पर अटैक कर रहे हैं, तो हम अपराधी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हम अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम जो है अपने बचाव में हम अटैक कर रहे हैं। तो उन्होंने लास्ट में यही करो या मरो का नारा दिया था, और तब भारत देश की पूरी जनता आंदोलित हो उठी थी और हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं टॉमस हॉब्स को सही अर्थों में शक्ति उपागम का संस्थापक माना जाता है। उसकी कृति लेवियाथन को शक्ति की राजनीति पर महान ग्रंथ माना जाता है। हॉब्स ने लिखा है कि मनुष्यों में शक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर बेचैनी होती है, जिसका समर्थन करते हुए ओकशार्ट ने लिखा है दर्शन का अंतिम लक्ष्य शक्ति है। तो कहने का आशय ये है कि जो टॉमस हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन है, उन्होंने शक्ति आधारित राजनीति की जो चर्चा किया है, तो उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में मारकाट की अवस्था थी और बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई थी। जब वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं था और हिंसा मारकाट की अवस्था थी, तो उस अवस्था को उन्होंने कहा प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था का मतलब है जहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं होती है तो वहाँ पे हिंसा मारकाट ये सब चीज़ जो है जोरों पर होती है। तो उनके समय में जब ये ऐसी व्यवस्था थी, तो ऐसी अव्यवस्था से बचने के लिए उन्होंने अपना लेवियाथन ग्रंथ की रचना किया और एक शक्तिशाली राज्य और शक्तिशाली राजा की उन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत किया और यथार्थ में उसको जो है कार्यान्वित करने का भी उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने ये कहा था कि
किसी भी व्यक्ति को। हॉब्स ने कहा था कि मनुष्य जो होता है स्वभाव से स्वार्थी होता है, लालची होता है, झगड़ालू होता है, कि इसलिए उसके अंदर आगे बढ़ने की उत्कंठा होती है और एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की आकांक्षा होती है, और जो है हमेशा हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। और शक्ति किसी भी व्यक्ति के पास स्थायी नहीं हो सकती। आज एक व्यक्ति के पास है, कल दूसरे व्यक्ति के पास है, कल फिर तीसरे व्यक्ति के पास है। तो जो शक्ति की राजनीति है हमेशा निरंतर संघर्ष की अवस्था रहती है, क्योंकि एक दूसरे से शक्ति छीन करके शक्ति प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ लगी रहती है, हिंसा मार काट की अवस्था रहती है। तो उन्होंने कहा था मनुष्य इस प्रकार का जो प्राणी है स्वार्थी है, झगड़ालू है, और अगर मनुष्य को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा और कोई बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली कानून व्यवस्था स्थापित नहीं की जाएगी तो हमेशा ही हिंसा मार काट की अवस्था रहेगी और मनुष्य का जीवन अल्पायु हो जाएगा और जो है किसी के जीवन की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसी अवस्था से बचने के लिए लेवियाथन की रचना किया, और उन्होंने बताया कि एक जो है शक्तिशाली राजा का होना आवश्यक है, और शक्तिशाली राजा जो है उस पर नियंत्रण स्थापित करेगा, पूरी कानून व्यवस्था स्थापित करेगा, और व्यक्ति को अपने ही हिसाब से कोई भी कानून बनाने की कोई जो है अधिकार नहीं होगा, अधिकार व्यक्ति को कोई प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, और आंदोलन करने के भी कोई अधिकार नहीं होंगे, और राजा का प्रमुख दायित्व होगा प्रजा की जनता का जो है सुरक्षा का दायित्व उठाना। जब राजा अगर ये कह देता है व्यक्ति से कि अपने आप को घायल कर लो, तो टॉमस हॉब्स के अनुसार तब उस अवस्था में अंतिम अवस्था है कि हम राजा की आज्ञा की अवहेलना कर सकते हैं। जब क्योंकि राजा को हमने इसीलिए स्थापित किया है, इसीलिए इतना शक्तिशाली राजा और शासन व्यवस्था की हमने जो है स्थापना किया है कि राजा हमारी सुरक्षा करेगा, और अगर सुरक्षा करने में राजा नाकामयाब हो रहा है उस अवस्था में हम जो है आंदोलन कर सकते हैं, उस अवस्था में राजा की आज्ञा की अवहेलना कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी स्थिति में राजा की अवहेलना करना ठीक नहीं है। सभी व्यक्ति को राजा के आदेशों का पालन करना होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था सही से चलती रहे और सभी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसीलिए सभी व्यक्ति को कानून का पालन करना होगा, राजा की आज्ञा का पालन करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं मैकियावेली और हॉब्स की विचारधारा को मॉर्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। विश्व में कमजोर राष्ट्र हमेशा शक्तिशाली की दया पर निर्भर होगा, तथा शक्तिशाली राष्ट्र हमेशा अपने नियम शर्तों को कमजोर राष्ट्र पर थोपने का प्रयास करता है। तो मॉर्गेंथाउ ने जो है मैकियावेली और हॉब्स की जो विचारधारा है शक्ति की राजनीति, इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर इन्होंने लागू करने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है कि इनका मानना है कि उन्होंने ये कहा है कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र है तो कमजोर राष्ट्र को जो है अपने नियम और शर्तों को मनवाने की कोशिश करेगा, और जो कमजोर राष्ट्र होगा तो शक्तिशाली राष्ट्र की दया पर निर्भर करता है। तो ये इनका मानना था। शक्ति उपागम की मान्यताएं, नंबर एक, स्वभाव से स्वार्थी प्राणी है मानव, शक्ति प्रभुत्व की आकांक्षा मानव स्वभाव में है। नंबर दो, इतिहास साक्षी है मानव स्वार्थी होता है तथा एक दूसरे से आगे निकल जाने की उत्कंठा रखता है। नंबर तीन, शक्ति के लिए मनुष्य की आकांक्षा की कोई सीमा नहीं है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। नंबर चार, शक्ति के लिए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है। नंबर पाँच, राष्ट्र हमेशा शक्ति में वृद्धि करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन तथा प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो है माना गया है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी प्राणी होता है और जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और उनकी इच्छाएं अनंत हैं और इनको जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है।
और राष्ट्र हमेशा अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं। अगर शक्ति बढ़ाते रहते हैं तभी विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे से जो है टकराते हैं, उनके हित टकराते हैं और संघर्ष बना रहता है। तो इसके बाद इसमें हम ये देखते हैं, राष्ट्र हमेशा अपनी शक्ति में वृद्धि करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन तथा प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये प्रत्यक्ष जो है दर्शी प्रत्यक्ष रूप से यह देखने का प्रयास करते हैं कि विश्व के सभी राष्ट्र, चाहे अमेरिका हो, इटली, जापान और चाइना, भारत, ये सब अपने अपने शक्ति में जो है वृद्धि करते हैं, परमाणु क्षमता का विकास करते हैं। भारत भी अपने परमाणु क्षमता का विकास करता है। अभी हम इसमें देखते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है दिल्ली में इसका जो है प्रदर्शन किया जाता है। हमारी जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, इसका जो है हम प्रदर्शन करते हैं। जो हमने शक्तियाँ अपनी अर्जित कर रखी होती हैं उसका जो है हम प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। अभी भारत ने अभी हाल ही में मिशन चंद्रयान को भी जो है सफलतापूर्वक जो है लैंड किया है। तो हमने जो है विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। टेक्नोलॉजी में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इसमें ये सब चीज़ें यही हैं कि हम जो है अपनी शक्तियों को अर्जित करते हैं तथा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मार्गेंथाउ का शक्ति उपागम। राज्य के उद्देश्य के साथ ही शक्ति उपागम अस्तित्व में आ जाता है, किंतु इसका विस्तृत अध्ययन 16वीं शताब्दी से प्रारंभ किया गया। नीत्से, एरिक काफमैन, डेविड स्टन, ई एच कार, जासवान, बर्गर, क्विंसी राइट आदि विद्वानों ने राजनीति में शक्ति उपागम को अपनाया है। तो जो मार्गेंथाउ का शक्ति उपागम है, तो जैसे ही राज्य का उदय होता है, जैसे कि सबसे पहले कबायली समाज था, कबायली समाज के बाद राजतंत्र का उदय होता है, फिर लोकतंत्र बहुत बाद में आता है। तो कबायली समाज जब रहता है तो एक कबीला दूसरे कबीला पर जो है प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तथा जब राज्य में कन्वर्ट होते हैं तो राज्य एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाते हैं और जो है अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही राज्य अस्तित्व में आता है, शक्ति का उदय भी हो जाता है, क्योंकि हम शक्ति के द्वारा ही एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं और जो है अपना अपना राज्य विस्तृत करने की कोशिश करते हैं। तो फिर इसका विस्तृत अध्ययन हम 16वीं शताब्दी में करते हैं और नीचे एरिक काफमैन, डेविड स्टेन, ई एच कार, जासवान, बर्गर, क्विंसी राइट आदि विद्वानों ने राजनीति में शक्ति उपागम को अपनाया है। मार्गेंथाउ पहला विद्वान था जिसने इस उपागम के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विधिवत व्याख्या किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमेंगनेशन में राजनीति के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत दिए हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। नंबर 1, राजनीति हमेशा निरपेक्ष नियमों से निर्धारित होती है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में हैं। नंबर 2, राष्ट्रीय हित अति महत्वपूर्ण तत्व है जिसे मार्गेंथाउ शक्ति के संदर्भ में परिभाषित करता है। कोई भी राष्ट्र शक्ति के द्वारा अपना राष्ट्रीय हित प्राप्त करना चाहता है। अगला है, राष्ट्रीय हित का अन्य कोई विकल्प नहीं है। फिर अगला देखते हैं, शक्ति उपागम किसी भी कार्य को उसके राजनीतिक परिणामों से मापता है। फिर अगला हम देखते हैं, सभी राष्ट्र शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय हित को प्राप्त अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं। अगला है, राजनीति का क्षेत्र एक स्वायत्त क्षेत्र है। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीति के क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल देता है। तो मार्गेंथाउ का कहना यह है कि प्रत्येक देश के समक्ष उसका राष्ट्रीय हित होता है, तो अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए शक्ति अर्जित करता है। एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे कोई जूनियर है और सीनियर है, तो जब सीनियर अपने जूनियर को आदेशित करता है तो उसका जो है पालन करने के लिए बाध्य होता है। जैसे कि कोई बराबर के हैं और
किसी बात को कहने के लिए अगर कहते हैं कि ये काम करना है, तो अगर बराबर की पोस्ट है, बराबर का पद है, तो बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो है बात किसी भी काम को मानने के लिए कोई बात भी नहीं है। अगर उसका कॉन्शियस अलाउ करेगा तब तो अपना काम करेगा, नहीं तो काम मना भी कर सकते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं चाहे पद का पावर है या शक्तिशाली है, शक्तिशाली अगर जब निर्बल को अपने से अधीनस्थ को कहता है, तब जाके उस बात का पालन, उस जो है आदेश का पालन अवश्य होता है। तो इसी प्रकार हम विश्व राजनीति में हम देखते हैं कि जैसे विश्व राजनीति के स्तर पर जो देश शक्तिशाली हैं, जैसे कि अमेरिका, तो वो आज विकसित देश है तथा टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। तो अन्य देश जो कि उनके समक्ष जो है नीचे हैं, तो उनको अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, और जो है जो निम्न जो निर्बल राष्ट्र हैं तो उसकी बातों को मानने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि डर है, भय है। तो यहाँ पे यही है कि राष्ट्रीय हित को जो है प्राप्त करने के लिए कोई भी देश शक्ति अर्जित करता है। तो जो निर्बल राष्ट्र हैं, जो कि अमेरिका की बराबरी नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपनी परमाणु क्षमता का विकास कर रहे हैं, और जो है टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं, आगे निकल जाने की होड़ है। और जो है भारत भी बहुत ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी का विकास किया है और बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मार्गेंथाउ के अनुसार मानव स्वभाव स्वार्थ की आकांक्षा से ग्रसित है और आकांक्षाएं अनंत है। सभी देशों के बहुत से हित होते हैं जिसकी पूर्ति में वे लगे रहते हैं। एक शक्तिशाली राष्ट्र का अर्थ होता है राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी। तो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का स्थिर और क्रांतिकारी मॉडल का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार कोई शक्ति चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कभी पूर्णतया संतुष्ट नहीं होती, जिससे युद्ध की अवस्था का जन्म होता है। तो इनका कहने का आशय यह है कि कोई भी राष्ट्र हो, जो अपना कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं कि स्थिर, मतलब कि उन्होंने कहा है, किसिंजर ने कहा है कि स्थिर और जो है क्रांतिकारी अवस्था। स्थिर का मतलब होता है जो जिस देश की स्थिति जो है तो वह स्थिति बनी रहे और जो है वो अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है और वो परिवर्तन नहीं चाहता है। लेकिन अब परिवर्तन कौन नहीं चाहेगा, इसमें भी ये एक विषय सोचने वाली बात है कि जिसने अपना पूरा विकास कर लिया है, जिसने अपना विकास कर लिया है तो वो परिवर्तन तो नहीं चाहेगा, लेकिन जिसने अपना विकास नहीं किया है तो वो तो परिवर्तन तो चाहेगा ही, अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेगा। और शक्ति क्योंकि जो है वो परिवर्तन इसलिए चाहेगा क्योंकि वो अपने अवस्था से और अपनी जो है स्थिति से वो खुश नहीं है, क्योंकि जो है वो उसके पास संसाधनों की यदि कमी है, निर्बल राष्ट्र है, तो सबल होने की जो है श्रेणी में जो है शामिल होना चाहता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहता है। शक्ति, अब इसके बाद हम देखते हैं शक्ति उपागम की समालोचना। नंबर एक, यह पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति और राष्ट्र हमेशा शक्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं। व्यक्ति और राष्ट्रों के मध्य संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी पाया जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अभी 9, 10 और सितंबर को G20 का जो है सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, तो इसमें ये अगर क्रांति की और जो है असहयोग की अवस्था होती तो ये सम्मेलन क्यों होता। सम्मेलन इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो है सहयोग और सामंजस्य, परस्पर सौहार्द का वातावरण बने, और जो है 83 बिंदुओं पर जो है सहमत हुई है, वार्ता हुई है अन्य देशों के साथ, तथा बहुत से क्षेत्रों में जो है समझौते, संधियां हुई हैं, और एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट करना, बढ़ावा देना, व्यापार, ट्रेड आदि को जो बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ जो है समझौते, संधियां हुई हैं। तो इसके बाद नंबर दो पर देखते हैं, जॉन बर्टन ने लिखा है कि परमाणु युग में प्रत्येक राष्ट्र की यह बाध्यता है कि अपने राष्ट्रीय हितों को इस प्रकार पूरा करें कि अंतर्राष्ट्रीय हित बाधित ना हो।
यदि अंतर्राष्ट्रीय हित बाधित होंगे तो राष्ट्रीय हितों का सर्वनाश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राष्ट्रीय हितों में टकराव हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हित टकरा रहे हैं, तो हम अपने राष्ट्रीय हितों को हम कभी ये नहीं मान सकते कि अपने राष्ट्रीय हितों की हम पूर्ति कर सकते हैं। तो हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति वहीं तक कर सकते हैं जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय हितों में कोई टकराहट ना हो। तो हम अंतर्राष्ट्रीय हितों को जो है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इन सब आलोचनाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति उपागम का निश्चित रूप से अपना महत्व है। इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैज्ञानिक विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इतनी ढेर सारी आलोचनाएं हुई शक्ति उपागम की, फिर भी इसके बावजूद शक्ति उपागम का जो है अपना विशेष महत्व है। इसने जो है राजनीति को वैज्ञानिक ढंग से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैज्ञानिक ढंग से जो है इसको देखने का प्रयास किया है, विकास करने का प्रयास किया है, और जो है जो वास्तविक रूप में जो राष्ट्रों में घटनाएं घट रही हैं, जो यथार्थ में घटनाएं घट रही हैं, और जो है जो देशों के बीच युद्ध होते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने अन्य इस प्रकार के सुझाव सुझाते हैं। और जो है यथार्थवाद की राजनीति का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम अगर समस्याओं को हम जानेंगे नहीं तो उन समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। इसलिए विश्व राजनीति के स्तर पर यथार्थवादी राजनीति समस्याओं को देखने का प्रयास करता है तथा समस्या सुलझाने का जो है विकल्प भी सुझाता है। और जो है शक्ति की राजनीति का जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद।